हूँ कविता। देश को तो सबसे ऊंचे सरदार पटेल मिल गए हैं, लेकिन उन पर किसका हक है, इस पर बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने जहां बिना कांग्रेस का नाम लिए अपने इस मुहिम को राजनीतिक चश्मे से देखने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इंदिरा की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर पीएम मोदी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ सरदार पटेल की जन्मतिथि थी तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। गुजरात के वडनगर में जहां पीएम मोदी ने देश को स्टैचू ऑफ यूनिटी समर्पित की, तो वहीं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम कांग्रेसी नेताओं में ही सिमट कर रह गया। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर नेहरू की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इंदिरा की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। ऐसे में राहुल गांधी भला कहां पीछे रहते, उन्होंने तो ट्वीट कर सीधे पीएम मोदी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण तो ठीक है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है। दोनों ही नेता हमारे देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए जिया है। सरदार पटेल ने जहां भारत को जोड़ने का काम किया, जनता को अखंड भारत का सपना दिखाया, अलग थलग पड़ी विरासतों को एक कर महान भारत बनाया, तो वहीं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये ऐसे दो शख्सियत हैं जिनके काम को राजनीति के चश्मे से आकर नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियां इन पर अपना अपना दावा करती आई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।